गाइस नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो Xiaomi ने पहली बार इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं। जो Xiaomi का लैपटॉप है वो पहली बार इंडिया में आ रहा है और लॉन्च होने वाला है 11 जून को। तो इसका क्या फीचर्स होगा, क्या प्राइस होगा, एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है क्योंकि पहली बार लॉन्च हो रहा है और ग्लोबल डिमांड भी हो रहा है हमारा इंडिया से। तो क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या प्राइस होने वाला है, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, अभी तक पता नहीं चला। फीचर्स ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया Xiaomi ने, तो जितना दूर तक हम लोगों को पता चला है मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ये सब जानने के लिए। और मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए बिना रुके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो Xiaomi ने पहली बार इंडिया में आया था तो वो था 2013 में MI3 लेकर, और पहली बार फ्लिपकार्ट से उसका फ्लैश सेल शुरू हुआ था और बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद उनका बढ़ते गया बहुत सारा MI फोन्स आया बाजार में। उसके बाद सब ब्रांड हो गया, रेडमी हो गया, MI हो गया और जो Xiaomi का Xiaomi पैरेंट कंपनी है। तो उसके बाद ऑफलाइन में भी बिजनेस ऐड किया और हर साल एक एक करके कैटेगरी ऐड करते गया। पहले था फोन, उसके बाद आया राउटर, उसके बाद आया एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, और 2018 में भी बहुत ही बड़ा एक जो अभी सक्सेस हुआ है वो था MI TV वाला सेक्शन भी ऐड किया गया है इंडिया के लिए। तो अभी MI TV और स्मार्टफोन पूरे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और बहुत सारा एक्सरसाइज तो है इनके साथ। तो वैसे ही हमारा एक्सपेक्टेशन था कि कब लॉन्च करेगा Xiaomi ने MI लैपटॉप इंडिया में। हम लोग जैसे ही कुछ MI का प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि MI लैपटॉप लॉन्च होगा, तो हुआ नहीं। तो इसके बारे में हमारा एक इंडियन यूट्यूबर, जाने माने यूट्यूबर है, उनने हमारा जो MI इंडिया का जो CEO है मनु जैन, उनको पूछा 2018 में कि आपका प्लान क्या है जो Xiaomi लैपटॉप इंडिया में लॉन्च करने के बारे में। तो उसने बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए जो चाइना में तो बहुत ईयर पहले लॉन्च हो गया था 2016 में, लेकिन इंडिया में आया नहीं क्योंकि चाइना में जो फीचर्स था इंडिया में लॉन्च होता तो नहीं चलता क्योंकि उसके इंडियन कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं हो पा रहा था। तो इंडियन कस्टमर का क्या डिमांड है इसके बारे में एक डेडिकेटेड टीम अलॉट किया गया है जो इंडियन मार्केट के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि क्या चाहिए इंडियन कस्टमर्स को। और 2018 से सचमुच जब लोग काम कर रहे थे, अभी 2020 में जाकर 11 जून को वो वाला लंच हो रहा है, उसमें से अब बिल्ड कर लिया है। हालांकि ये वाला इंडिया में अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, वो इंडिया के लिए बनाया गया है और इधर से ही इंडिया में लॉन्च करेगा, इधर से ही पूरे वर्ल्ड में रिलीज होगा। तो इंडिया हमारा मेन होस्ट कंट्री है अभी तो, ठीक है। तो अभी ये अगर सक्सेस हो जाए तो हमारा जो इंडिया में जो प्लांट है इंडिया प्लांट में वही कहीं प्लांट बनाकर वो MI का जो लैपटॉप वो भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा, जैसे MI फोन और रेडमी MI TV के जैसे सक्सेस हुआ है वैसे सक्सेस होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया। अभी क्या हुआ मैं बताती हूँ। कुछ दिन पहले जो मेक इट हैपन ऐसा कुछ हैशटैग देकर, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, मैं भूल रहा हूँ क्या लिखा था, लेकिन ऐसा कुछ टैग देकर मनु जैन ने पहली बार एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में हमारा जो डेल इंडिया, HP इंडिया, एसर इंडिया और लेनोवो को टैग किया गया था। तो आपको पता ही चल रहा है इन लोग क्या बनाते हैं, ऑब्वियसली लैपटॉप बनाते हैं, बहुत सारा फेमस कंपनी होने वाले। तो हमको पता चल रहा है इंडियन मार्केट में एक रेवोल्यूशन आने वाला है स्मार्टफोन और MI और TV के सेगमेंट के बाद लैपटॉप सेगमेंट में भी एक रेवोल्यूशन आने वाला है। वो तो बहुत ही अच्छा है, कॉम्पिटिशन रहना चाहिए। तो एसर ने तो जवाब दे दिया, वेलकम टू द पार्टी, और जो बचा हुआ जो कंपनी है उसने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन एक टक्कर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी बहुत सारा पोस्ट किया जा रहा है Xiaomi की तरफ से। तो इसका फीचर्स क्या वाला है, क्या होने वाला है, अभी तक ज़्यादातर रिवील नहीं हुआ। जो रिवील होने हुआ है मैं उसका बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ इसका नाम क्या होने वाला है। देखिए चाइना में जो हुआ है वो क्यों रेडमी बुक है और MI लैपटॉप भी है। इस बार इंडिया में MI की तरफ से जो भी प्रोडक्ट Xiaomi का लॉन्च होता है तो MI और रेडमी सब ब्रांड है, तो MI के प्रोडक्ट तो MI की तरफ से और रेडमी का रेडमी की तरफ से पोस्ट किया जाता है। तो इस बार MI की तरफ से पोस्ट किया गया है, तो इसके सबसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला जो लैपटॉप है वो रेडमी वाला लैपटॉप नहीं है, ये MI वाला लैपटॉप है। तो MI नोटबुक
हो सकता है, और एक्सपेक्टेशन है कि ये पूरा एप्पल का जो लैपटॉप होता है, मैकबुक होता है, उनका सेम टू सेम कॉपी है। ये सच है भाई। उनका डिज़ाइन पूरा ऐसा ही है, लगता है कि एप्पल ने उसका जो एप्पल का लोगो देना भूल गया, बाहर से ऐसा ही लगेगा। तो पूरा स्लीक है, सिल्वर सिल्वर कलर का आता है, एकदम पतला सा है, तो देख के ऐसा लगेगा। तो उसका नाम होने वाला है एम आई लैपटॉप और एम आई नोटबुक एयर। और इसका स्क्रीन साइज के बारे में बात करें तो एम आई के साइट पर ऐसा लिखा गया है कि ये फुल एच डी स्क्रीन होने वाला है, और स्क्रीन साइज शायद 13.3 या 14 इंच वाला होने, 14 इंच स्क्रीन होने वाला है। तो उसके बाद और एक वेरियंट होगा तो उसमें भी 15 इंच हो सकता है, लेकिन जो हमारा पॉसिबिलिटी है वो है 13.3 इंच फुल एच डी डिस्प्ले होने वाला है इसमें। और देखिए इसमें जो इंडियन कस्टमर का जो टारगेट करने वाला है, हो सकता है बेसिक और मिड और हाई रेंज हो सकता है, या फिर हो सकता है मिड रेंज वाला जो यूजर है, जो मिड रेंज वाला गेमर है, छोटा मोटा 8 कहते हैं उन लोगों के लिए, और एक होगा हाई एंड वाला। तो ऐसा दो हो सकता है, हो सकता है एक ही लैपटॉप हो लेकिन अलग अलग वेरिएंट का हो। ठीक है, तो ये वाला था इसका नाम और लैपटॉप के जो स्क्रीन साइज वो। तो इसमें जो सेकंड थिंग है स्टोरेज, तो इसमें एसएसडी रहेगा, इसमें कोई मैकेनिकल हार्ड ड्राइव नहीं रहेगा। मैकेनिकल हार्ड ड्राइव हमारा मेन कल्प्रिट होता है जो कंप्यूटर का बहुत से स्लो डाउन कर देता है, तो एसएसडी रह रहा है, ये बहुत अच्छा बात है। एनवीएम एसएसडी होता तो और भी अच्छा होता। एनवीएम एसएसडी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एसएसडी के सेगमेंट में। एसएसडी क्या है, मैंने सैमसंग का एसएसडी का रिव्यू किया है, और आप आई बटन से देख सकते हो। तो चलिए, तो इसके बैटरी अगर बारे में बात करते हो, तो बैटरी ये Xiaomi ने जो ट्वीट किया है वो होगा 12 आवर्स तक नॉन स्टॉप बैटरी, और इसमें फास्ट चार्जिंग भी होने वाला है, तो बहुत ही अच्छा। वो बैटरी बैकअप मेन होता है, अगर आपने सुबह में ले गया तो पूरा दिन चल जाएगा, कोई लैपटॉप चार्जिंग करने का कोई दिक्कत नहीं रहता है, ये सबसे अच्छा बात है। और एस एस डी तो रह ही रहा है, ये 256 GB हो सकता है या 512 GB हो सकता है। रैम के बारे में बात करूँ तो मिनिममली DDR4 होना चाहिए, और 8 GB तो बनता है, शायद 8 GB बहुत ही पॉसिबिलिटी है, तो 8 GB होना होगा। उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करूँ तो अभी कुछ पता नहीं चला, हो सकता है 2 GB या 4 GB ग्राफिक्स रह सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है आजकल जो मिड रेंज जो लैपटॉप होता है सभी में भी 4 GB ग्राफिक्स रहता ही है। और बहुत ही जो मेन फीचर्स है वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या क्या होने वाला है, हमारा एक्सपेक्टेशन उसके बारे में बहुत ज़्यादा है। कोई लोग बोल रहा था राइजन का प्रोसेसर होगा जो 4000 सीरीज वाला, लेकिन पता नहीं वो हाई एंड वाला मॉडल में रह सकता है। लेकिन Xiaomi ने MI ने जो ट्वीट किया है वो है कि इसमें रहेगा इंटेल का i7 10th Gen प्रोसेसर, और Xiaomi ने ये भी डिमांड किया है कि ये वाला प्रोसेसर इंडिया में अभी तक किसी भी लैपटॉप में नहीं है, तो ये वाला इसको आगे रख सकता है। तो राइजन होता तो बहुत ही अच्छा होगा, एडिशन होगा वो हॉराइजॉन्टल एडिशन। हॉराइजॉन्टल एडिशन क्या होगा अभी तो कुछ रिवील नहीं किया। हम लोग ने बहुत सारे बार देखा कि ट्विटर में मनु जैन और उसका जो वर्कर्स है, उसका जो एग्जीक्यूटिव है, बहुत सारे ब्लॉगर्स को जो लैपटॉप के बॉक्स दे रहा था उसमें लिखा हुआ था हॉराइजन वर्सन, तो पता नहीं हॉराइजन वर्सन क्या होगा। और जो मेन थिंग है इसका जो प्राइस, तो प्राइस क्या होने वाला है, देखिए प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो प्राइस हो सकता है 45,000 से लेके 80,000 के अंदर इसका प्राइस हो सकता है। प्राइस के बारे में तो कुछ पता नहीं चलेगा जब तक वो लोग रिवील नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग ने जो ये एक्सपेक्ट कर रहा Xiaomi की तरफ से और MI की तरफ से इसका प्राइस हो, या इससे भी कम हो सकता है, हो सकता है 50 के अंदर भी हो जाए, ताकि कंपटीशन टफ कंपटीशन दे सकता है दूसरा वाला जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बस यही वाला है। और उसका जो कीबोर्ड होने वाला है बहुत ही स्लीक होगा, जैसे मैकबुक का बटरफ्लाई कीबोर्ड होता है वैसे ही कुछ होगा, तो एक्सपीरियंस बहुत ही खास होने वाला है हमें लगता है ऐसा। बस इतना ही पता है, अगर ज़्यादा कुछ पता चला मैं स्टोरी सेक्शन में डाल के या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल के मैं बता दूंगा आपको कि क्या हो रहा है। और 11 जून को हो रहा है, तो आप लोग देखते रहिए क्या होने वाला है। और तो चलिए देखते हैं 11 जून को क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में,
इस वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल का सब्सक्राइब कराने के लिए बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा के ऑल कीजिए क्योंकि मैं ऐसा वाला वीडियो आपके लिए ले आती हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। अगर इस लैपटॉप का जो यूनिट है मैं हो सके आपके लिए रिव्यू भी करूंगा। तो चलिए देखते रहिए मेरे चैनल, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे अगली दूसरा जो वीडियो है वो भी देखते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय गाइज़।